My voice is audible, the screen is visible. This is visible, readable. ठीक है. ठीक है, तो हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल. लिमिटेशंस, हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस क्या थी मेनलीव की. ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेनलीव क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेनलीव इज हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड विद अल्कली मेटल. जल्दी से लिखिए फर्स्ट लिमिटेशन. हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स. लिमिटेशन ऑफ मेनलीव हम लिख रहे हैं और इसमें फर्स्ट लिमिटेशन लिखेंगे हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स बट दे ऑल्सो रिजेंबल्ड हैलोजन. अल्कली मेटल के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स That is lithium, sodium, potassium. But it also resembled halogens. Halogens कौन होते हैं? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. हम क्या कह रहे हैं कि मेंडलीव ने इसको place कर दिया. किसको? Hydrogen को. कहां पे place कर दिया? लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ. लिथियम सोडियम पोटेशियम को बोलते हैं एल्कली मेटल. क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल. तो लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ उसने अपने टेबल देखोगे बुक में बना हुआ है. तो उसमें वैसे अगर तुम्हें बता ही रहा हूं तो मेरे पे विश्वास कर लो कि उसने हाइड्रोजन को कहां रखा? लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ. लिथियम सोडियम पोटेशियम को बोलते हैं एल्कली मेटल्स. ठीक है, पर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन नॉट ओनली रिजेंबल्स एल्कली मेटल बट वो हैलोजन से भी सिमिलर है. हैलोजन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब बात करिए कैसे हैलोजन से भी सिमिलर है उसकी बात करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को अगर हम हैलोजन से कंपेयर करें, हैलोजन कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2. हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2. क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2 गैस. फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? F2 गैस. ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Br2 गैस. राइट, तो ये सारे हैलोजन से सिमिलर है हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में डायटोमिक एटम के साथ एग्जिस्ट करता है. हाइड्रोजन जैसे H2 गैस की तरह एग्जिस्ट करता है वैसे ही फ्लोरीन भी गैस की तरह एग्जिस्ट करता है. F2 गैस, Cl2 सारे गैस की तरह एग्जिस्ट करते हैं. राइट, तो ये डायटोमिक गैस की तरह एग्जिस्ट करता है. कैसा? डायटोमिक गैस. ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है. उसके अलावा अगर हम बात करें लिथियम सोडियम पोटेशियम से कैसे सिमिलर है ग्रुप 1 के एलिमेंट से, तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स थे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इन सब से रुबिडियम सीजियम वैसे और भी होते हैं. लिथियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्या बनाता है? HCl. हाइड्रोजन कैसा क्लोराइड बनाता है? HCl. लिथियम कैसा बनाता है? LiCl. Na कैसा बनाता है? NaCl. K कैसा बनाता है? KCl. HCl, LiCl, NaCl, KCl. इन सब के फॉर्मूला सेम है क्लोराइड्स के, यस और नो? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं सिमिलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड्स, इनफैक्ट ऑक्साइड्स और अदर कंपाउंड्स के भी फॉर्मूलाज क्या है? सिमिलर रहते हैं. तो हाँ बोलो, हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को नाम दिया गया है हैलोजन. ठीक है, हैलोजन काइंड ऑफ लाइक इसका वर्ड हैलाइड से आ रहा है जो कि सॉल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो हैलोजन सारे सॉल्ट्स का पार्ट होते हैं तो इसीलिए उनको हैलोजन बोला है. ठीक है, अच्छा, और अगर मैं बोलूं तो हाइड्रोजन को उसने रखा इसके साथ, किसके साथ? लिथियम सोडियम पोटेशियम. पर मैं कह रहा हूं वो इससे भी सिमिलर है कि नहीं, तो उसको किस में रखें? इस ग्रुप में या इस ग्रुप में? ये ग्रुप था 1A. कौन सा था? 1A. और ये देखना 7A है बुक में, देखो बुक खोलो.
ग्रुप सेवन, ठीक है। तो ये मिलते हैं हैलोजन मेंडलीव के ग्रुप सेवन ए में, और ये मिलते हैं ग्रुप वन ए में। ये दोनों बहुत दूर है, हाइड्रोजन को एक जगह रख सकता था वो, या तो वन ए में या सेवन ए में, उसने कहां पे रखा उसको, वन ए में, ठीक है। पर हम कह रहे हैं क्या वो वन ए के एलिमेंट से सिमिलर है, हाँ है, पर वो हैलोजन से भी सिमिलर है, तो इसको हैलोजन में भी रखना चाहिए था, पर दो जगह एक एलिमेंट को नहीं रख सकते थे, तो क्या करता वो, मेंडलीव ने एक जगह रख दिया, पर ये हम उसकी गलत बात बोलेंगे कि उसने एक जगह भी क्यों रखा, या तो दोनों जगह मत रखो या दोनों जगह रखो, समझ में आ रही है बात। ये अलग एलिमेंट से, ये अलग एलिमेंट से, और दोनों में हाइड्रोजन दोनों से सिमिलर है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं ना कि तूने इसके साथ क्यों रखा, उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी वो आ सकता था। और प्रॉपर्टी बताता हूं, हैलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तुम्हें पता होगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड बनता है, हमने मेटल नॉन मेटल में किया था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, क्लोराइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड बनाता है, चलिए क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, हाइड्राइड एच माइनस। सिमिलरली सोडियम, तुम्हें याद होगा सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, एन ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इधर ही बैठो, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, ले जाइयो बैग, भूल मत जाइयो, ठीक है, भूल मत जाइयो, ठीक है। अच्छा एन ए प्लस और इलेक्ट्रॉन निकालता है, और उसी तरीके से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करके एच प्लस और ई माइनस बनाता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है लाइक मेटल्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है लाइक नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, हाँ बोलो, तो समझ नहीं आया मुझे, नहीं आया, देखो मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन को कहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखो, बुक खोलो, कौन से पेज नंबर पे है टेबल, 83 पेज नंबर खोलो बुक में, बुक में पेज नंबर 83 खोले सारे के सारे, हाँ इसमें देखो हाइड्रोजन कहाँ पे रखा गया है, फर्स्ट के ए में, और उसके नीचे कौन से एलिमेंट्स हैं, LiNaKe, है ना। तो जो सेम ग्रुप में होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जो सेम ग्रुप में होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो हाइड्रोजन किससे सिमिलर है, लिथियम सोडियम पोटेशियम से, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, है कि नहीं, मेंडलीव ने उसे कहां रखा, एल्कली मेटल से। तो हम बोल रहे हैं यस, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम से सिमिलर है, कैसे, हाइड्रोजन HCl बनाता है, फॉर्मूला सेम है, Li LiCl बनाता है, NaCl सारे के सारे 1-1 बना रहे हैं, HCl NaCl, ऐसा तो नहीं है ना LiCl2 बनाता हो और HCl बनाता हो, सिमिलर है ना फॉर्मूला, इनके ऑक्साइड का भी फॉर्मूला सेम है, हाइड्रोजन H2O बनाता है, Li भी Li2O बनाता है, इन दोनों के हाइड्राइड का फॉर्मूला भी सेम है, हाइड्राइड तो छोड़ दो, ठीक है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन सेकंड ग्रुप में नहीं है, एक ही में है, वो हीलियम होगा फिर, कहाँ है, एक ही में तो लिखा है, एक ही जगह तो लिखा है, दो जगह कहाँ लिखा है, वो हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट देखना है हमें बस, हाँ ग्रुप्स में किस बेसिस पे डाला, ग्रुप्स में पीरियोडिसिटी और एटॉमिक मास के बेसिस पे, सबसे पहला मास किसका है, एच का, फिर किसका है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये मास के बेसिस पे अरेंज है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो मास के बेसिस पे अरेंज है वो मेंडलीव के टेबल में, समझ आ रहा है। अच्छा अब इस टेबल में तुम नहीं आ रहा, क्या समझ आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, एक बार चले गए आगे, मैं समझाता हूँ, यहाँ से समझ आएगा, हाइड्रोजन के साथ ही ग्रुप बैठ रहे, अच्छा अभी किसी को समझ नहीं आया तो मैं आगे समझा देता हूँ।
हम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम से हाइड्रोजन सिमिलर है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला जो बनाते हैं वो भी हाइड्रोजन भी उसी फॉर्मूले का कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो मान लिया। तो मेंडली ने भी यही फॉर्मूला देखते हुए लिथियम सोडियम पोटेशियम के ऊपर हाइड्रोजन रख दिया कि ये इनसे सिमिलर है। अब हम कह रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से भी सिमिलर है, क्योंकि ये भी गैसेस होती है डायटोमिक, H2Cl2F2, ये सारी गैसेस होती है, और H भी गैस होता है H2, ठीक है, और H मेटल तो नहीं है, H मेटल है क्या? नहीं, H गैस है, ठीक है। तो सर उधर भी डाल देते, दोनों जगह डाल देते, पर मेंडली एक चीज को दो जगह कैसे डाल दे, ये भी गलत है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रॉब्लम मेंडली से ये है कि उसने हाइड्रोजन को इनके साथ ही क्यों रखा, इनके साथ क्यों नहीं रखा, ये लिमिटेशन हम गिनवा रहे हैं। सर तो वो हटा देता तो पर पॉइंट इज की वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना उसका, ठीक है, कोई समझ आया? फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव, यस और नो? काशवी, महक, क्लियर, लावण्या, एक सेकंड, आवाज नहीं। हाँ अब बीच बोलो, कोई आवाज नहीं। बाद में जब वो टेबल आ जाता है तो अब वो उसके सॉल्व नहीं कर पाया। तुम अगर मेंडलीव होते तो तुम क्या करते? मैं तो सब बनाता ही हूँ। तो ऐसे जवाब नहीं चाहिए, अब पेपर आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, तुम सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, टाइम हमें जल्दी कर। हाँ तो तुम मुझे बताओ कि अगर तुम मेंडली हो तो क्या करते, यहाँ रखते वहां रखते? दोनों रख ही नहीं सकते। तो अब हमने क्या सोल्यूशन निकाला है, आज क्या सोल्यूशन है इस बात का? तुम अब नए पीरियोडिक टेबल पे जाओ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन देखो। हाइड्रोजन को रखा हुआ है लिथियम सोडियम पोटेशियम, पेज नंबर कौन से पे है? 86 पे जो टेबल बना उसे देखो, उसमें देखो हाइड्रोजन रखा हुआ है किस पे? लिथियम सोडियम पोटेशियम के ऊपर रखा हुआ है, पर उसको देखो थोड़ा सा गैप है, यानी कि हम बोल रहे हैं वो है उनके जैसा पर उनसे अलग है, ठीक है, यानी पूरी तरीके से। हाँ समझ आई बात? मैं समझाऊंगा, कितनी बार बताया मैंने, इतना लर्न करना पड़ेगा, कराऊंगा, बात नहीं। अच्छा अब सारे बच्चे आ गए हैं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बात, इसलिए बुलाया आज कि अब से तुम्हारा टाइम TTS 4-5 है, यानी वही टाइम जिसमें हम पहले थे, ठीक है, और मैथ्स का TTS 5-6 है, ठीक है, जो मैथ्स में अगली क्लास से, और उसके अलावा MWF में मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मोस्ट प्रोबली एट 3-4 जब मैं बताऊंगा तब। नहीं उसमें मेरी क्लास नहीं हो पाएगा ना, मेरी क्लास मैं फिर इसी तरीके से अरेंज किया है। अब बिल्कुल मत बोलो 3-4 में क्या प्रॉब्लम है, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम सेट किया है। तो अब हाँ क्या चीज, अब बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं सारे, 3-4 MWF में रखिए, ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है, अभी इस बात मत करो, देखो डिस्कस
अब इसके बाद वो चेंज कराओ देखो यहाँ पे भी बहुत मुश्किल से मेरे सारे टाइम इधर उधर हुए हैं तो करना पड़ेगा अब कोई नहीं बोलेगा मैं बता रहा हूँ उसको मैं अलग बाहर ही कर दूंगा निकाल दूंगा बात बिल्कुल कोई नहीं जब पूछना है हाथ खड़ा करो मैं परमिशन दूंगा तब तुम पूछोगे और आपस में बात होगी कल नहीं मैं बताऊंगा जब से तब से MWF शुरू होगा अभी TTS है ठीक है अब बस अब मैं गुस्से पे आ जाऊंगा फिर एक एग्जांपल दिखाऊंगा नमूना बनाऊंगा एक फिर सारे शांत हो जाएंगे अब वो तुम बनना चाहते हो तो बोलो फिर बोल बोलना किसी ने कुछ कमेंट करना है लिमिटेशन नंबर वन थी कि हाइड्रोजन वॉज प्लेस विद एल्कली मेटल्स बट इट ऑल्सो रिजेंबल्स हैलोजन्स क्या थी हाइड्रोजन वॉज प्लेस विद बट इट ऑल्सो रिजेंबल्स तुमने यहां पे चेक करोगे तुमने दो पॉइंट लिखे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड LiCl NaCl ये सारे फॉर्मूलास एच रिजेंबल कर रहे हैं इससे कृषिका सेकेंड H2Cl2F2 ये सारे बेस में वो हेलोजन से रिजेंबल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है H प्लस इलेक्ट्रॉन करके H माइनस बना रहे ये तुमने लिखा है क्यों नहीं लिखा है मैंने लिखा था एच प्लस इलेक्ट्रॉन गिव एच माइनस लाइक Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cl माइनस और H loses electron to form H plus like Na loses electron to form Na plus ये मैंने लिखवाया था ठीक है अब हमारे limitation number 2 पे बोलो हर्ष क्या क्वेश्चन अब छोड़ो अभी निकल गया आगे next हाँ उसकी गलती है ना उसकी क्यों रखा है वो बोल रहा हूँ हम बोल वही तो बोल रहा हूँ जो तू कह रहे हो मेटल के साथ क्यों रखा है उसकी गलती है ना किसने रखा है तो हम गलती में तो गिरवा रहे हैं तो फिर अब वो थोड़ी पूछ सकते हो कि उसने गलती ही क्यों करी जो हम बोल रहे हैं कि उसने गलती करी तो उसने गलती क्यों करी ये होगी ना ठीक है नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडली में सेकेंड आइसोटोप्स मेंडली कुड नॉट एक्सप्लेन एक और चीज जो मेंडली नहीं कर पाया could not explain position of isotopes अब नाइन्थ पे आते हैं और isotopes बताओगे क्या होता है हाँ isotopes क्या होते हैं किसी को बताना है कुछ ट्राई करते ट्राई तो करो हाँ हाँ बोलो जी जैसे अलग अलग आयंस की आयंस तो नहीं एग्जाम्पल नहीं ये तो ये नहीं है आइसोटोप्स आर ये बॉक्स बना लो और लिखो कंसेप्ट ऑफ क्लास 9 ठीक है और इसमें लिखो आइसोटोप्स ये समीश आइसोटोप्स क्या होते हैं काश्वी महक एनी आंसर एलिमेंट तो सेम होता है ठीक है सो व्हाट आर आइसोटोप्स दे आर दी एलिमेंट्स हैविंग सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर है ना जिसका अटोमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो ठीक है न्यूट्रॉन की वजह से ठीक है एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं एक हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 इसे बोलते हैं प्रोटियम क्या बोलते हैं प्रोटियम इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम इसे बोलते हैं ट्रीटियम तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रीटियम इन सब के अंदर नीचे वाला क्या होता है अटोमिक नंबर क्या होता है अटोमिक नंबर ऊपर वाला क्या होता है मास नंबर ये हमने करा था ना जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर ऊपर वाला मास नंबर और इन सब के अंदर मास नंबर अलग अलग है पर इन सब के एटॉमिक नंबर क्या है 1 इसलिए सारे के सारे हैं तो हाइड्रोजन पर इनका बस मास
ज्यादा है, क्या ज्यादा है? मास, याद रहेगा। तो अब तुम मुझे बताओ, मेंडलीव का टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस था या मास नंबर पे बेस था? मास नंबर पे बेस था, मास पे बेस था। तो अब हाइड्रोजन को कहां रखोगे? यहां पे तीन हाइड्रोजन हो गए, तो तीनों का मास अलग है, तो ये तीनों अलग अलग ग्रुप में जाने चाहिए कि नहीं? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही। मेंडलीव का टेबल खोलो 83 पे, उस पे अंदर देखो किस बेसिस पर मेंडलीव का टेबल अरेंज है, मास। और अगर चीजों का मास अलग है तो वो तीनों अलग अलग जगह पे जाएंगे। हाइड्रोजन के क्या बोलो, तेज बोलो। हाँ, रख सकता था, नहीं रखा तो लिमिटेशन है ना। और कोई नहीं है। और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसा नहीं है कि ये और भी अभी अक्षय आ रहा हूं मैं उसमें। देखो, दे ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट, दे ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मास, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हें H2O की जगह, इसको D भी बोलते हैं, D2O दे दूं तो भी तुम पी जाओगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा, बस उसका मास ही ज्यादा होता है, केमिकल नेचर उसका सेम होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं H2 को हम D भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? D, ड्यूटेरियम, और इसको ट्रिटियम। तो तुम पानी पीते हो H2O जो घर पे होता है, उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी D2O भी हो सकता है, बहुत कम परसेंटेज, ठीक है, पर तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं, H2O और D2O। इसे बोलते हैं हैवी वाटर, इसे क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। और ये नॉर्मल वाटर, तो इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। D2O हैवी वाटर है, हाइड्रोजन जो है कभी कभी थोड़ा सा भारी भी होता है, उसमें न्यूट्रॉन का फर्क है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में बराबर होते हैं, वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, सिर्फ फर्क किस चीज का होता है? न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन की वजह से कोई हाइड्रोजन भारी होता है और कुछ हल्के होते हैं, ठीक है। अब बात ये है हर्ष, और अभी एग्जांपल में और बता रहा हूं, हर्ष इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं? तो ये सारे सेम ग्रुप में जाने चाहिए क्योंकि हम करके रहे क्लासिफाई, हम ग्रुप्स में डाल रहे हैं, हाँ या ना? और अगर हम इनको एक ही ग्रुप में डालना चाह रहे हैं, और मेंडलीव ने बोला था जिसका मास अलग है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती जा रही हैं, फिर रिपीट करती हैं, पहले मास 1, 2, 3, 4, फिर 16 के बाद वापस आते थे, याद आ रहा है? तो इस हिसाब से अगर इनका मास अलग अलग है तो इन सबको अलग अलग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी इनकी या नहीं? ठीक है, इनका मास अलग है तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए थी, पर इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो जब आइसोटोप्स हमें मिले तो मेंडलीव कंफ्यूज हो गया, अब मेरे टेबल का क्या होगा? तो पॉइंट इज दिस कि मेंडलीव की एक और लिमिटेशन थी, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर हुए थे, तो तब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का भी एक कार्बन 12 होता है मास, एक कार्बन 13 होता है, एक कार्बन 14 होता है। तो कार्बन के भी तीन हमारे पास आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, याद रहेंगे। इनमें से एक रेडियो एक्टिव भी होता है, इनमें से एक रेडियो एक्टिव भी होता है, ये वाला कार्बन 14 जो होता है इट इज रेडियो एक्टिव। चारकोल में नॉर्मल कार्बन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हाँ कहाँ पे मिलता है, कहीं कहीं जगह पे मिलता है, कहीं कहीं। हाँ बोलो। अगर मेंडलीव के टेबल को मासेस के अकॉर्डिंग बना दो तो इसमें तीन डिफरेंट होंगे, तो फिर प्रोटीन में लिखा होगा ना, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लिखा होगा, प्रोटीन है प्रोटीन। हाँ, जब आई डी पी एम डी टी एम नहीं बता पाए वो क्या डिस्कवर नहीं, जब आई डी पी, और तो मेंडलीव की कितनी लिमिटेशन हो गई? दो। पहला था ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। किसकी बोलना पड़ेगा? फर्स्ट, ही डिड नॉट एक्सप्लेन, ऑनलाइन वाले बोलेंगे घर पे माइक ऑन करके, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एज मेंडलीव टेबल वॉज अकॉर्डिंग टू मास नंबर, so they should get different groups
बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, हाउ कैन वी गिव देम डिफरेंट ग्रुप्स? समझ में आ रही है प्रॉब्लम? हाँ या ना रिकुल? डाउट है तो पूछ लो अभी भी। देखो अभी साल शुरू हुआ है, ये टर्म शुरू हुआ है, ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं जानी चाहिए टर्म वन की तरह एंड तक, लाइट की प्रॉब्लम या कोई चैप्टर की प्रॉब्लम, ठीक है? तो आज क्योंकि उतना टाइम हमारे पास है नहीं, तुम्हें डाउट्स अभी सॉल्व करने पड़ेंगे। काशी, महक, लावण्या, दिव्यांशी क्लियर है? आशी और नेक्स्ट क्लास 4 to 5 है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे में, ठीक है? सैटरडे को क्रिसमस है, आओगे? क्या करोगे क्रिसमस? ठीक है तो ट्यूजडे को मिलेंगे फिर हम, बहुत गैप हो जाएगा। संडे संडे नहीं, संडे में नहीं, मंडे को बुला लूं, मंडे 3 to 4 कौन सी स्कूल की? कितनी क्लासेस हैं तेरी? तू पहले बात कराई हो ना? कितने बजे? मंडे में से फ्राइडे मंडे से स्टार्ट है, मंडे से एसएससी का बैच स्टार्ट है, ठीक है? 6 to 7 ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, अरे चलो मंडे को तुम मना कर रहे हो, मंडे को किस किस की? आशी और किया, बस मंडे 3 to 4 और किसी की प्रॉब्लम नहीं है? मंडे 3 to 4 प्रॉब्लम है क्या? घर आ जाएगा ना, घर ऑनलाइन देख लिया, ऑनलाइन ले लेगा, ठीक है ऑनलाइन आएगा, आएगा नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ, ठीक है? अभी तुम दोनों आशी और किया में तुम्हारा अलग टाइम बना, ठीक है? अब किया ज्यादा नहीं, बस ठीक है। नेक्स्ट तो मंडे को हम 3 to 4 मिल रहे हैं, फिर ट्यूजडे को हम 4 to 5 मिल रहे हैं, फिर वेंसडे को हम 3 to 4 और थर्सडे को, मतलब थोड़ा रेगुलर चल लो, कैचअप कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा सिलेबस, फिर हम टेस्ट भी लेते रहे आराम आराम से, फिर हम जो तुम्हारी क्लास मिस होगी आशी और किया उन तुम्हें मैं अलग टाइम बुला के यहीं पे अपने सामने ही बिठा के वीडियो दिखाऊंगा, कोई डाउट आएगा मैं साथ में लूंगा, ठीक है? एक टाइम तुम्हारा फिक्स, नहीं बिल्कुल प्रॉपर वीडियो बनाइए, अब सेटअप है, ठीक है? नेक्स्ट तो हाँ TTS 4 to 5 MWF लिख लो, फिर भूलोगे भूल जाओगे, लिखो तो तेरे TTS में अलग है, तेरा अलग कर दो। नेक्स्ट मेनली की और क्या खास बात रह गई हमारी? दो ही लिमिटेशन है, तुम बताओ। क्या चीज? दोनों तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी, प्रॉपर्टी सेम थी, प्रॉब्लम क्या थी? इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी पर इनका मास अलग था, तो कहते मास अलग तो प्रॉपर्टी अलग, पर मास अलग पर प्रॉपर्टी सेम, तो बात गलत हो गई ना, समझ में आई बात? लास्ट अब खत्म हो गया, चलो माइंड लीव का टेबल, अब हम अच्छी बातों पे आते हैं, अब हिस्ट्री खत्म हो गई है, अब हम प्रेजेंट में आए हैं, और अब हमने क्या चेंज किया माइंड लीव में जो आज हम टेबल फॉलो करते हैं और जो तुम आगे फॉलो करते जाओ, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव से ही देखकर बनाए, जैसे मेंडलीव ने बोला था वैसे ही बनाए, बस उसमें एक चीज हमने चेंज कर दी और सब कुछ सही हो गया, हमने एटॉमिक मास की जगह हमने एटॉमिक नंबर देखना शुरू कर दिया। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी वही लाइन है जो मेंडलीव की थी, उसका लॉ क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक देखना, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अ, ये क्वेश्चन था ना तुम्हारा डाउट था ना, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक। हाँ तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया और वो लॉ क्या कहते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। चेंज क्या किया? हाँ तो अब इससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, ठीक है? एटॉमिक मास की जगह वी हैड पुट एटॉमिक नंबर, ठीक है?
तो इससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, जो जो प्रॉब्लम हमारी मेंडलीव के साथ आ रही थी वो कैसे सॉल्व हुई? देखो पहली प्रॉब्लम आई थी कि एक हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम तो बनी रही, वो आज भी है, हाइड्रोजन दोनों की तरह बिहेव करता है। हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाए बिकॉज हाइड्रोजन एल्कली मेटल की तरह भी है और हाइड्रोजन हैलोजन की तरह भी है, वो अलग है, कुछ लोग अलग होते हैं, है ना, तो उनको अलग जगह मिलनी चाहिए थी, तो हमने हाइड्रोजन को अलग कर दिया बाकी सबसे। बस डिफरेंस क्या किया, हमने हाइड्रोजन के और लिथियम सोडियम पोटेशियम के बीच में गैप बना दिया, लिथियम सोडियम रखा उसे ग्रुप वन में, नहीं बोलेंगे उसे, हम बोलेंगे कि ये अलग है। इनफैक्ट कुछ टेबल इसको यहां बनाते हैं और कुछ टेबल इसको यहां से हटा के सेंटर में भी रख देते हैं, या तो यहां या यहां सेंटर में, दैट मींस वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो इधर भी मिलता है उधर भी मिलता है, तो हाइड्रोजन को तो हमने अलग ही रहने दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी मेंडलीव की, एक तो वो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पा रहा, दूसरा आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पा रहा था। तो हम देखते हैं कार्बन, कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 13, कार्बन 6, 14, तो इनका मास नंबर अलग था इसीलिए वो अलग अलग ग्रुप में जाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। पर अब हमारा क्या बेसिस है, और तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, इन सबकी प्रॉपर्टी भी सेम है, तो मतलब पॉइंट समझ में आ रही है कि नहीं, कि इनको अगर हम ऊपर वाले नंबर से देखते तो ये तीनों अलग जाते सिमरन, पर अब हम इनको कौन से नंबर से देख रहे हैं, नीचे वाले से, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर से जब हमने देखा तो ये सारे कौन से ग्रुप में जा रहे हैं, सेम ही ग्रुप में जा रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। समझ में आया बात हर्षित? ठीक है, मेनली ऊपर वाले नंबर देख रहा था आदित्य, आदित्य मेनली ऊपर वाले नंबर देख रहा था मास नंबर, हमने चेंज करके हमने अब एटॉमिक नंबर देखना शुरू कर दिया, तो एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, तो सारे सेम ग्रुप में जाएंगे और सबकी प्रॉपर्टी भी सेम है, तो हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी। तो अगर मैं बोलूं क्वेश्चन लिखो, विच इज बेटर मेथड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, विच इज बेटर मेथड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास, एटॉमिक मास, ठीक है, एंड वाई, ठीक है, एंड वाई। तो कौन सा बेटर मेथड है और क्यों? हाँ बोलो, हाँ एटॉमिक नंबर, तो इसका रीजन क्या दोगे, क्या लगता है फिर? तो इसके अंदर देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, एक और प्रॉब्लम तुम्हें याद है कोबाल्ट और निकल की, कि कोबाल्ट और निकल को कहां पे प्लेस किया गया था, कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में, कोबाल्ट का मास 58.9 था और निकल का 58.7, ये तो उसने अपनी सूझबूझ से इसको काउंटर कर लिया था, किसने, मेंडलीव ने, तो हमने उसे उसकी अचीवमेंट में गिनवा दिया था, क्यों, नेहा उसने कोबाल्ट को आगे रखा जबकि उसका मास क्या था, ज्यादा, और निकल को पीछे रखा जबकि उसका मास क्या था, कम था, राइट। अब अगर हम एटॉमिक नंबर से देखते हैं, क्योंकि अब हम मास से नहीं, हम किससे देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का होता है 28, तो अब ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, क्योंकि मास से देखा जाए तो मास से ये आगे आना चाहिए था, पर अगर हम एटॉमिक नंबर से देख रहे हैं तो कोबाल्ट ही पहले आ रहा है, यस और नो पुण्य, यस, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। तो इसकी क्या क्या पॉइंट्स गिनवाएंगे अगर हमसे ये क्वेश्चन आएगा, तो पॉइंट्स लिखे, पॉइंट नंबर 1, कोबाल्ट और निकल को अभी भी उसके हिसाब से मानते हैं, कोबाल्ट पहले ही और निकल पीछे ही, और ये चीज वैसी सॉल्व होगी, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पहले ही कम था, इसमें हम एग्जांपल बनाएंगे तो मैं बताऊंगा। सर वैसे वो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई इसलिए भी किया जैसे क्योंकि उसके एटॉमिक मास अगर अलग भी होगा लेकिन उसका एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर से ही इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली नहीं होता, ग्रेजुअली होता। देखो मैं लिखवा रहा हूँ विद एग्जांपल, पहला पॉइंट इज दिस कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन अ रेगुलर फैशन, लिखो इसका आंसर, क्या कॉपी नहीं बोली तब, एटॉमिक नंबर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन रेगुलर मैनर,
एटॉमिक नंबर, हाँ फर्स्ट पॉइंट है इस आंसर का, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन रेगुलर फैशन. यस सब नीच बोलो, रेगुलर मैनर. यस फर्स्ट पॉइंट है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन रेगुलर मैनर, बट दिस इज नॉट ट्रू विद मास, विद एटॉमिक मास, बट दिस इज नॉट ट्रू विद एटॉमिक मास. इसके एग्जांपल दिखाएं, इसके एग्जांपल में बनाना 26 आयरन, इसका मास है 56, 26 आयरन 56 मास, 27 कोबाल्ट 58.9 और निकल 28 और उसका मास 58.7 और ये एटॉमिक नंबर. तो देखो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का कैसे इंक्रीज हो रहा है, 26 27 28 और इनका मास कैसे इंक्रीज हो रहा है, 56 58.7 58.9, है ना गड़बड़. तो मास जो है रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता, कभी बढ़ जाता है कभी कम भी हो जाता है. जल्दी से लिखिए, एग्जांपल बनाने तीनों, आयरन कोबाल्ट निकल, मैं रिपीट कर रहा हूं, आयरन के ऊपर लिखा 26, कोबाल्ट के ऊपर 27, निकल के ऊपर 28 और उनके नीचे लिखा है 56 58.9 58.7. अब आंसर आ रहा है सब्जेक्टिव, तो तुम सब्जेक्टिव के आंसर जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखोगे. ठीक है सर, वैसे मास नंबर ऊपर आता था, हाँ ऊपर आता था, पर मैंने बस ऐसे बनाया है. अच्छा तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ आया, तो कौन सा बेटर है, जिस जो रेगुलरली इंक्रीज होता है या जो ऊपर नीचे ऐसे इंक्रीज होता रहता है, रेगुलर एटॉमिक नंबर वाला रेगुलर इंक्रीज होता है. दूसरा, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड दे ऑल्सो हैव सेम प्रॉपर्टी. सेकेंड पॉइंट, आइसोटोप्स have same atomic number and also have same chemical property. Isotopes have same atomic number and also have same chemical properties. So, isotopes have same atomic number and have same chemical property, so they can be placed in the same group according to, so they can be placed in the same group according to atomic number, according to atomic number, same group according to atomic number. ठीक है, repeat करूं या हो गया. So they can be placed in same group according to atomic number. ठीक है, थर्ड इज एटॉमिक नंबर, ये वाली पॉइंट खुद ही समझ आ गया होगा, आइसोटोप की एटॉमिक नंबर सेम है तो उनको सेम ग्रुप में रख सकते हैं. ठीक है, थर्ड सीधे ऐसे नहीं सीधे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, लिख रहे एज इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. Which further governs, या which further controls the valency of. It is a more fundamental, atomic number is a more fundamental property because it represents number of electron in an atom, which further governs the valency of an of the atom. तो मतलब क्या है, देखो तुम्हें पता है हमने मेटल नॉन मेटल में किया था कि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2A1, राइट? तो इसमें 2A1 क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स. क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स.
तो इलेक्ट्रॉन से हम बोलते थे कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सात गेन करेगा या एक लूज करेगा? एक लूज करेगा, याद आ रहा है? तो ये एक लूज करता था। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती थी, तो आज तक हम किससे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन से ना, किससे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन से। और एटॉमिक नंबर एक एटम का इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाना न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से करेंगे या इलेक्ट्रॉन से करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मास आ जाता है, पर हमें इलेक्ट्रॉन से प्रॉपर्टी पता चलती है, तो हम एटॉमिक नंबर बेटर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन बताता है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बताता है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट में क्या लिखा कि एटॉमिक नंबर इज बेटर, इट इज मोर फंडामेंटल, माने और ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बताता है और इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बताता है। क्लियर ये पॉइंट? तो कितने पॉइंट्स हुए? वाई, विच इज बेटर मेथड ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स। अच्छा, अब हमने किया है शुरुआत से, जो जो मेन टॉपिक से मैं काउंट कर रहा हूं, फर्स्ट हमने किया है डोबेनियर लॉ ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, उसके तीन तुम ये लिखो, टेस्ट के सिलेबस लिखो जल्दी, मंडे को टेस्ट ले रहे हैं, लिखो तीन से चार, लिखो टेस्ट का सिलेबस। आधे चैप्टर का ले लेते हैं अच्छे से, फिर आधे का बाद में लेंगे, एक साथ तो हो गया। अभी रुको, पहले आधा कर लो अच्छे से, आगे फिर ट्यूजडे को आगे कराऊंगा, फिर उसके बाद पूरे का ले लेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद आधे का फिर पूरे का। ठीक है, जसकरण का कहना, क्योंकि आगे वाला चैप्टर बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हिस्ट्री चल रही थी ना, अब इसके आगे साइंस शुरू हो जाती है। तो अब लिखो क्या क्या सिलेबस फॉर दी मंडे टेस्ट। मंडे को टेस्ट किसी भी टाइम देंगे? नहीं, तीन से चार देंगे। क्या रिटर्न भी होगा, एमसीक्यू भी होगा, केस बेस्ड भी होगा? ठीक है, नहीं, तीन से चार लिखो, जो नहीं दे पाएगा तीन से चार, बस वो उसको अलग टाइम दूंगा, बाकी सिर्फ किया। तुम सबने अभी बोला था कि हाँ तीन से चार हम फ्री हैं, तीन से चार तो ऑनलाइन तू आ जाइयो ना, तो ऑनलाइन देगा कैमरा ऑन करके। अच्छा, ऑनलाइन वाले सारे कैमरा ऑन करके देंगे, और दोनों हाथ दिखने चाहिए लिखते हुए। ठीक है, और एक हाथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, दो हाथ जब कैमरे पे हो तो चीटिंग कैसे करते हैं वैसे मुझे बताना? सर नहीं, दोनों हाथ अगर कैमरे पे दिखे तो सर सामने सामने चिपकाना पड़ेगा। अच्छा, आगे चिपका आगे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखो सिलेबस फॉर द टेस्ट। फर्स्ट, डोबेनियर के तीन ट्राइड्स याद करने हैं विद मासेस, यानी तीन ट्राइड्स थे, एक था लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एक और था। तो ट्राइड्स याद कर रहे हैं। सेकंड, लिमिटेशंस ऑफ ट्राइड्स, लिमिटेशन ऑफ ट्राइड। हेलो, क्या बोल रहा था? हाँ, फर्स्ट ट्रायड्स के एग्जांपल्स विद मासेस याद करेंगे, दूसरा लिमिटेशन ऑफ ट्रायड्स विद ऑल द एग्जांपल्स याद करेंगे, तीसरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और उसका टेबल कैल्शियम तक याद करेंगे कि उसने कैल्शियम तक कहाँ लगाया। सारे करना है, पर मैं एक बार गिनवा रहा हूँ चीजें, तुम्हारे लिए आसानी रहेगी कि क्या क्या चीजें क्वेश्चन में आ सकती है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को बनाना आना चाहिए, कोबाल्ट निकल तक कर ले, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद उसकी लिमिटेशंस तो एज इट इज लिखवा रखी है, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड हो गया, मेंडलीव का टेबल नहीं बनाना, पर मेंडलीव की लॉ, अचीवमेंट्स और लिमिटेशन विद एग्जांपल। हाइड्रोजन और आइसोटोपिक लॉ, अचीवमेंट और उसकी लिमिटेशन। ठीक है, फिर वाई एटॉमिक नंबर इज बेटर प्रॉपर्टी एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है,
लास्टली ये क्वेश्चन. हाँ बोलो. न्यूलैंड का, न्यूलैंड की लिमिटेशंस भी है ना, न्यूलैंड की लिमिटेशंस भी वो भी लिखनी है. ऑलराइट, फिर अब हम मिल रहे हैं मंडे को टेस्ट 3 to 4 और ट्यूसडे को क्लास है 4 to 5. फ्राइडे सैटरडे संडे को ठीक है. ऑलराइट बाय क्लास. मैथ्स वाले भी रुकेंगे बस.